हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज के लाइव सेशन में हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं बाकी कैंडिडेट्स का, जिससे कि वो भी लाइव सेशन का फ़ायदा ले पाएँ जिसमें हम क्वेश्चंस ही डील करेंगे। और आपको मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव सेशन में ही करवाए जाएंगे, जिससे कि जो भी आपके डाउट हों क्वेश्चन से रिलेटेड वो साथ के साथ क्लियर हो जाएँ। और हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि आज से हम डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस लेंगे जिसमें कि मोस्टली हम क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक जिन्होंने भी हमें ज्वाइन करना था कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम मेनली क्वेश्चंस के साथ ही डील करेंगे। और जिन्होंने भी हमें लेट ज्वाइन किया है उन सभी को हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन मैं एक बार रीड करूँगी। आपको 10 और 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, ये बात मैं आंसर को डिकोड कर दूँगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब कि हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। नीचे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दचिगम वन्य जीव अभयारण्य, या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क, या कान्हा नेशनल पार्क। तो आप अपना आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क ऑर्गेनाइज हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो कौन सा था। और इसी हिसाब से हमें ये भी पता होगा कि अगर ये सबसे पहला था तो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही होगा। आई होप आपने अपना आंसर देख लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1936 में। और मेजर एम जो था इस नेशनल पार्क को बनाने का वो ये था कि वहाँ के जो बंगाल टाइगर हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि वो एंडेंसर्ड हो रहे थे, मतलब कि वो लुप्त हो रहे थे, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड में ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि हैं 488 डिफरेंट स्पीसीज। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों है। इसमें हमें मेनली यही बातें याद रखनी है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पुराना यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। जो स्पीसीज खतरे में होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज, ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि संकटग्रस्त होती हैं, उन्हें कौन सी बुक में इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं, सफ़ेद, नीली, काली या लाल। तो आप अपना आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की ये डिमांड है कि जो भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या हमारे जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं, या फिर जो रेयर स्पीसीज होते हैं, उन सभी का एक डाटा बनाया जाता है, और वो कौन सी बुक होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आपने अपना आंसर लगा लिया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, लाल। जैसे कि आपको मैंने बताया, ये जो रेड डाटा बुक है ये रेड कलर की होती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आधारित की गई है, जिसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है जो भी हमारी एंडेंजर्ड या रेयर स्पीसीज होती हैं, चाहे वो फ्लोरा की हों चाहे वो फोना की हों। फ्लोरा का मतलब है कि चाहे कोई प्लांट्स की स्पीसीज हो, फोना का मतलब है चाहे कोई एनिमल्स की स्पीसीज हो, उन सभी का रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है, ये जो रेड डाटा बुक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कलर्स के अकॉर्डिंग रखी जाती है, मतलब कि ये जो बुक है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेजेस पाए जाते हैं, उसी हिसाब से इसमें इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें, ये जो रेड डाटा बुक है इसमें 2 और 3 टाइप्स के पेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि रेड होंगे, ब्लैक होंगे, ग्रीन होंगे। अब इन पेजेस का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये जो पेजेस हैं क्यों होंगे? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रेड पेजेस की, रेड पेजेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंक्लूड की जाती है स्पीसीज की, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें कंक्लूड की जाती है। और अगर बात करें ग्रीन पेजेस की, ग्रीन पेजेस में ऐसे स्पीसीज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो कि पहले तो एंडेंजर्ड थे लेकिन अब वो रिकवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है नेशनल पार्क्स के थ्रू, बोटेनिकल गार्डन्स के थ्रू।
और अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें, जैसे कि ब्लैक पेजेस जो होते हैं इस बुक के अंदर, उनके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीसीज की इंफॉर्मेशन कंक्लूड की है। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि जो कि लुप्त हो चुकी हैं। अगर आगे बात करें बाइट पेजेस की, पेजेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है रेयर स्पीसीज की, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, मतलब कि जो भी हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उन्हें रेड डाटा बुक के अंदर कौन से कलर के पेजेस में कंक्लूड किया जाता है, वो होते हैं लाल पेजेस, मतलब कि रेड पेजेस। और ये जो बुक होती है वो होती है रेड डाटा बुक। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है। ये जो नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, और विश्व में यही एक ऐसा नेशनल पार्क है, या हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तैरता है, मतलब कि फ्लोट करता है। ऑप्शंस देख सकते हैं, त्रिपुरा में, मेघालय में, या मणिपुर में, या मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि विश्व का अकेला एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर स्टेट में ये जो नेशनल पार्क है ये पाया जाता है, और हम सभी को पता होना चाहिए कि यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है। और ये जो कैबुल नेशनल पार्क है ये इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक का, जो कि मणिपुर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है मणिपुर। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन इसका राइट लगाया था उनका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। ये जो रेड डाटा बुक होती है ये कौन सी प्रजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये जो रेड डाटा बुक होती है ये कौन से स्पीसीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शंस देख सकते हैं, लुप्त है, खतरनाक है, या संकटापन है, या विरल है। वैसे तो इन सभी के बारे में ही थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई होती है, लेकिन जो मेन पर्पस है इस बुक को क्रिएट करने का वो उन प्रजातियों के लिए है, उन स्पीसीज के लिए है जो कि अभी खतरे में है, मतलब कि जो संकटापन में है, उनको हम बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज। स्पीसीज जो कि अभी विलुप्त होने के कगार में है उन्हें हम रेड डाटा बुक में कंक्लूड करते हैं, और उन्हें हम थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, संकटापन। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है टाइगर परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शंस देख सकते हैं, 1973 में, 2001 में, 1901 में, या 1995 में। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो टाइगर परियोजना है ये कौन से वर्ष में की गई थी, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट चलाया गया था, ये जो प्रोजेक्ट एक्ट चलाया गया था, ये क्यों चलाया गया था। क्योंकि जो टाइगर्स की स्पीसीज हैं ये विलुप्त हो रही थी, मतलब कि ये खतरे में थी, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट चलाया गया था 1973 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया था ये चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जिस टाइम हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, उनके अंडर ये जो एक्ट है ये चलाया गया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि ये जो टाइगर्स हैं इनकी जो डिप्लीशन हो रही है इनके हैबिटेट की, इनका जो नंबर रिड्यूस हो रहा है उसे कम किया जाए, मतलब कि इनका जो नंबर है टाइगर्स का वो इंक्रीज किया जाए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट है ये स्टार्ट किया था 1973 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अब ये जो शांत घाटी है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। सो आई होप आपने अपना आंसर देख लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केरल, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि ये जो साइलेंट वैली है इसे हम शांत घाटी के नाम से जानते हैं, ये केरल में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे बताया गया है किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। जो भी स्पीसीज होती हैं उन्हें हम विलुप्त कब कहते हैं, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसकी एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पीरियड के बाद हम ऐसे स्पीसीज को ये नाम दे देते हैं कि वो अब विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं हमारी अर्थ से। ऑप्शंस देख सकते हैं, 14 वर्ष से, 25 वर्ष से, या 50 वर्ष से, या 40 वर्ष से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, 40 वर्ष से।
40 वर्ष के बाद अगर हमें कोई स्पीसीज नहीं दिखती है तो इसका यही मतलब होता है कि वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नीचे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं नेशनल पार्क के, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शंस देख सकते हैं, मन्नार की खाड़ी, भितरकनिका या सुंदरबन या मानस। अपना आंसर देख सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने भी हमें लेट ज्वाइन किया है उन सभी को मैं बता दूं, ये जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ये आपको डेली बेसिस के ऊपर करवाए जाएंगे, लाइव सेशन होगा। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर डिटेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि सागरीय है, मतलब कि जो एक्वाटिक सिस्टम में पाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, वो क्यों है आपको मैंने बता दिया। ये जो कुछ यूनिक नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि ये जो एक्वाटिक सिस्टम में है, जैसे हमने पहले भी देखा एक जो कि फ्लोटिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही है, वो है मणिपुर के अंदर। तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए क्योंकि बार बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ये जो मानस पशु विहार है ये कौन से स्टेट में है। ऑप्शंस देख सकते हैं, राजस्थान में, असम में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ये जो मानस पशु विहार है ये है असम में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, असम के अंदर ये जो मानस पशु विहार है इसका नेम पड़ा है मानस रिवर के ऊपर। जो मानस रिवर है जिसे या हम मनास रिवर बोल सकते हैं, उस रिवर के ऊपर इसका नाम पड़ा है। और ये जो मानस पशु विहार पार्क है ये जाना जाता है एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज के बारे में, जो कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों चाहे वो एनिमल्स की हों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रूफ टर्टल जो कि एनिमल है, इसके अलावा गोल्डन लंगूर जो कि इस पार्क में पाए जाते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन होगा, असम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है। नीचे हमें जो ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए गए हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा जीव है जिसे हम प्रकृति का रेडार मानते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, गिद्ध या चमगादड़ या दरियाई घोड़ा या भेल मछली। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, चमगादड़। चमगादड़ को ही प्रकृति का रडार माना जाता है, तो राइट ऑप्शन इसका है सेकंड ऑप्शन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस देख सकते हैं, दुधवा, कान्हा, कॉर्बेट या काजीरंगा। हम देख सकते हैं कि आज के सेशन में हमने मोस्टली जो क्वेश्चंस लिए हैं वो नेशनल पार्क से ही लिए हैं। और ये जो नेशनल पार्क्स हैं, हमें सभी नेशनल पार्क्स की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी नहीं होता है, हमें बस यूनिक नेशनल पार्क की इन्फॉर्मेशन अगर हो तो वही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए फेमस है। आई होप आपने इसका आंसर डिटेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, काजीरंगा। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है एक सिंह वाले गैंडे के नाम से, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, काजीरंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, WHO, PETA, UNO या WWF। हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कई बच्चे तो WHO ही लगा लेंगे बिना देखे। इस क्वेश्चन में हमसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पूछा है, हेल्थ के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण, ये जो पर्यावरण की यहाँ पे बात की गई है, मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात की गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, वो कौन सी संस्था है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, WWF। ये जो WWF है जिसे हम वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जानते हैं, और यही जानी जाती है नेचर के लिए, नेचर की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो यही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए जानी जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब देखिए इसमें ये पूछा गया है कि हमारे एक्वाटिक सिस्टम का कौन सा ऐसा नेशनल ऑर्गेनिज्म है जो कि राष्ट्रीय जलीय प्राणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं, खाने पानी का मगर, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे बात करते हैं, गंगा की डॉल्फिन या फिर ओलिव रिडले टर्टल या फिर घड़ियाल। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन,
गंगा के डॉल्फिन। अब ये जो डॉल्फिन है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानी जाती है हमारे इंडिया में, जिसे हम गंगा रिवर डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि ये जो डॉल्फिन है ये एक मैमल है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन होगा कि हमारे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है जो कि नेशनल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो है गंगा के डॉल्फिन, सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। ऐसे स्टेट के बारे में बताइए जिसके अंदर मोस्टली अगर नेशनल पार्क पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर नेशनल पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर या फिर बिहार के अंदर। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा फर्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है इसी के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गिर का वन है, ये जो गिर का फॉरेस्ट है, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए फेमस है। यह किस राज्य में अवस्थित है, कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या असम में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, गुजरात। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसमें बताया गया है भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। नीचे हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से एरिया में, कौन सी जगह में ये जो भारत के जंगली गधे हैं ये पाए जाते हैं। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, सुंदरबन में, कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में या फिर असम के जंगल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ये जो भारत के जंगली गधे हैं ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आज के सेशन में हमने देखा है, जो भी हमने क्वेश्चंस, जो भी हमने कंसेप्ट्स लिए हैं, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही हों। तो आज के लिए इतना ही। आज का लाइव सेशन आपके लिए कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको दोबारा से बता देती हूँ, मैं इसी टाइम के ऊपर डेली बेसिस में आपको ये क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।